नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में गरीबों को निशुल्क आवास उपलब्ध कराने वाली मुख्यमंत्री आसरा आवास योजना के तहत बनाए गए 468 आवास बनने के वर्षों बीतने के बाद भी पात्र लाभार्थी राह ताकते नजर आ रहे हैं। जनपद में 2022 विधानसभा चुनाव के पूर्व 252 लाभार्थियों को चयनित कर चाबियां सौंपी गई थी, लेकिन चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद लाभार्थियों से चाबियां वापस लेकर प्रशासन द्वारा दोबारा से चयन प्रक्रिया शुरू कराई गई है, लेकिन सालों बीतने के बाद भी यह प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है और करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किए गए 468 आवास आज भी आसरा आवास योजना के पात्र लाभार्थियों की राह ताकते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी गवाही 23 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से बनाए गए 468 खाली पड़े आसरा आवास देते नजर आ रहे हैं। सैकड़ों लाभार्थी चयनित होने के सालों बीतने के बाद भी आसरा आवास मिलने की आस में बैठे हैं। वहीं जनपद के समाज सेवी और अधिवक्ताओं ने शासन द्वारा करोड़ों की लागत से बनाए गए 468 आवासों को लाभार्थियों का चयन कर आवास आवंटित करने की मांग उठाई है। समाज सेवी और अधिवक्ताओं ने कहा कि इससे पूर्व भी उनके द्वारा लाभार्थियों का चयन कर आवास आवंटित करने की मांग उठाई गई है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के चलते पात्र लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है, जिसके चलते लोगों को शासन की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। नतीजन करोड़ों रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई ये बिल्डिंग धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण स्थिति की ओर पहुंच रही है, जिससे शासन का करोड़ों रुपए बर्बाद होने की शंका बनी हुई है। अधिवक्ताओं और समाज सेवी ने जल्द ही पात्र लाभार्थियों को चयनित कर मुख्यमंत्री आसरा आवास आवंटित करने की मांग उठाई है। वहीं डूडा विभाग के अधिकारी की माने तो वर्ष 2022 में 252 लाभार्थियों का चयन कर कम्युनिटी हॉल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान चाबियां सौंप दी गई थी, लेकिन चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी मनोज कुमार द्वारा मामले की निष्पक्ष जांच कर दोबारा से पात्र लाभार्थियों का चयन करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक नगर पालिका द्वारा लाभार्थियों की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके चलते आसरा आवास लाभार्थियों को आवंटित नहीं किए गए। सुनिए, ये योजनाएं कंप्लीट खड़ी हैं, वो जनता को समर्पित होना चाहिए, उनका लाभ यहाँ की जनता को मिलना चाहिए। बिल्डिंग कंप्लीट खड़ी हैं, खंडर हो रही हैं, जीर्ण हो रही हैं, तो हमारा जिला प्रशासन से ये अनुरोध है कि उसका भौतिक सत्यापन कर उचित लाभार्थी चिन्हित करके उसका हैंडओवर और उसका वितरण यथाशीघ्र होना चाहिए। महोबा में 468 आवासों का निर्माण होना था, जो पूर्ण हो गया है। इसमें से 252 आवास पूर्व में आवंटित हुए थे लाभार्थियों को लॉटरी के माध्यम से, परंतु कतिपय शिकायतें आने के कारण आवंटन निरस्त कर दिया गया था। वर्तमान में लाभार्थियों की पात्रता और एप्लीकेशन नगर पालिका में जमा किए गए, उसके बाद जांच के बाद जो है अब पात्रता कराकर आवंटन किया जाएगा। कितने साल हो गए सर इस बिल्डिंग को बने हुए, अब स्थिति क्या है इस बिल्डिंग की? पूर्व में 252 कंप्लीट थे, उनका आवंटन किया जा चुका था। शेष आवास अभी 2023 में हस्तांतरित हुए नगर पालिका को। कितने लोग रह रहे हैं सर अभी आवास में? कोई आवास में नहीं रह रहा है अभी। लगभग कितने करोड़ की लागत से बनके तैयार हुआ था? लगभग 23 करोड़ समथिंग था। जो इतनी लागत से हमारे पैसों से सरकारी जो पैसा है हम लोगों के टैक्स से, जब इतनी बड़ी योजनाएं बनाई जाती है उन पर ध्यान देना चाहिए सरकार। किसी भी कार्यकाल का हूँ, इतनी बड़ी संपत्ति अमन के खड़ी हो जाती है, उनका कोई देखने वाला नहीं, तैयार होने के बाद जीवन हो जाए फिर उनका वितरण हो, ये ना हो करके इसमें राजनीति ना करते हैं। उन लोगों को लाभ देने के उद्देश्य से उनका तुरंत हैंड ओवर करके जो जो लाभार्थी हैं उनका चयन करके तुरंत वितरण करना चाहिए। इससे यहाँ के पब्लिक के लिए और सुविधा, जो गरीब असहाय लोग हैं उनकी ऊपर छत आएगी, आगे विकास का इसी से काम चलता है, राजनीति नहीं करना चाहिए।
देखिए अच्छा नहीं है, बड़ी दुखद बात है कि राजस्व इतना बर्बाद हुआ, करोड़ों रुपए में वो बिल्डिंग बनके तैयार हुई और अब वो धूल फांक रही है, धीरे धीरे उनकी दीवारें जर्जर हो गई हैं, प्लास्टर उखड़ रहा है, तो पैसे की बर्बादी हुई है। और अगर वो अलॉटमेंट हो जाते तो वो निश्चित किसी न किसी गरीब लोगों को उसका लाभ मिलता जो उसका मकसद था। तो ये दुखद बात है, इसको लेके कई मरतबा लिखा भी गया है, हमने भी इसके बारे में कई बार लिखा है, मुख्यमंत्री पोर्टल में भी डाला है, पर इस पर ध्यान नहीं दिया गया। हम कहते हैं कि माना कि वो सपा सरकार में हुआ था काम, लेकिन जनहित से जुड़ा है, इसलिए उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वो जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए उसको आवंटन होना चाहिए और उसकी उस पैसे का सही सदुपयोग हो जाए, ये बहुत जरूरी है। इससे लोग सरकार को दुआएं ही मिलेंगी गरीबों की। सूडा विभाग में कहना है कि 2022 के बाद से प्रधानमंत्री के नए आवास स्वीकृत नहीं हुए हैं, ऐसे में 468 आवास जो बनकर तैयार खड़े हैं, ये जरूरतमंदों को मिल जाए, तो इस पर किस तरीके का प्रयास आप लोगों के द्वारा किया जाएगा? देखिए बिल्कुल बात सही है, 468 लोगों को, परिवारों को यदि इससे लाभ होता है तो बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी ने घर बनवाए हैं, लोगों को पैसा दिया और बने बनाए खड़े हैं, वो मिल जाए इससे अच्छा क्या है। इसके लिए हम फिर अभी मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भेजेंगे जल्दी और उनसे फिर आग्रह करेंगे, अपने जो सांसद विधायक हैं इनको भी याद दिलाएंगे कि इस पर जो है त्वरित कार्रवाई की जाए और उन आवासों को आवंटित किया जाए, कम से कम 438 लोग जो हैं उन सबको उसका लाभ मिलेगा। साहब 6 करीब हो गया फार्म भरे हुए, कॉलोनी तो सर मिली थी हमको, तो नगर पालिका में उनने हमको रसीद दे दी थी और हमारी चाबी वहाँ वापस लेकर के उनने ऐसे ही एक रसीद में लपेट के और पन्नी में डाल के एक बाल्टी में सभी की चाबी जमा करते जा रहे थे वो, इसलिए उस दिन से आज तक कोई खबर नहीं है। चाबी ले रहे थे तो क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि बात बोले जब मिलेगी तो चाबी सबको मिलेंगी, बोले जी हमने आपको ब्लॉक नंबर लिख के दे दिया, कमरा नंबर लिख के दे दिया जी, आपका फिक्स हो गया और जब चाबी बटेंगी तो सबको मिलेगी। अभी साहब 3 करीब हो गया जी। हाँ हमने 2015 में इसका फॉर्म भरा था, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई और 11/10/2021 में हमें नगर पालिका ने बुलाया था, हमारी पर्ची वहाँ मिली और उसका आवंटन करा था, आवंटन में मेरा नाम आ गया था। उसके बाद 10 बाद चाबी ले ली हमसे, बोला 20 को मंत्री जी आएंगे, मंत्री जी उद्घाटन करेंगे, उसके बाद आपको कमरा मिलेगा। जब से आज तक हमें कोई कमरा नहीं मिला, हम फुटपाथ पे रहते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं। महोबा से सीनियर संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। बहरहाल इतना तो साफ है कि स्थानीय प्रशासन की मंशा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले गरीबों को आसरा आवास उपलब्ध कराने की फिलहाल नजर नहीं आ रही, क्योंकि आसरा आवास बनने के वर्षों बीतने के बाद भी स्थानीय प्रशासन के द्वारा पात्र लाभार्थियों का चयन न करना अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आसरा आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को इस योजना का लाभ कब तक मिल पाता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।